पहली ही फिल्म से पॉपुलर हुई थी राजेश खन्ना की ये बेटी, अब दूसरे देश में जी रही हैं ऐसी जिंदगी। फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जब तक जिंदा रहे खबरों में छाए रहे। राजेश खन्ना के बाद उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार काफी चर्चा में रहते हैं। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया भी कभी कभी इवेंट में नजर आ जाती हैं, लेकिन इस परिवार का एक सदस्य है जो लंबे समय से लाइमलाइट से दूर है। ये सदस्य राजेश खन्ना की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना है। रिंकी खन्ना का जन्मदिन 27 जुलाई को होता है। रिंकी ने 20 साल पहले फिल्म प्यार में कभी कभी से डेब्यू किया था। इसके बाद रिंकी फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में नजर आई। इस फिल्म में रिंकी ने गोविंदा के साथ काम किया था, लेकिन बॉलीवुड में रिंकी का सिका नहीं चला। बॉलीवुड में रिंकी का करियर सिर्फ 4 साल तक रहा। उनकी आखिरी फिल्म चमेली साल 2003 में आई थी। रिंकी ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 4 फिल्में की हैं। रिंकी तमिल फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड में आने से पहले रिंकी इंग्लिश और हिंदी में प्ले किया करती थी। रिंकी का असली नाम रिंकल था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम से एल हटा दिया, इससे अब उनका नाम रिंकी हो गया। साल 2003 में रिंकी की मुलाकात इंडस्ट्रियलिस्ट समीर सरन से हुई थी। शादी के बाद से रिंकी खाना लखनऊ शिफ्ट हो गई है। समीर से मिलने के बाद रिंकी की जिंदगी ही बदल गई। साल 2004 में रिंकी को एक बेटी हुई। उसके कुछ साल बाद रिंकी को एक बेटा भी हुआ। रिंकी अपने पति के साथ लंदन में सेटल हो गई है। कभी कभी वो अपनी मां डिंपल और बहन ट्विंकल के साथ फिल्म इवेंट में नजर आती हैं।